ये जो डब्लू एंटी प्रोटीन है इसको एनकोड कौन करता है जैसे कि अगर हम देखें इसको कहां पे ढूंढा गया था कि ऐसा कोई प्रोटीन भी एग्जिस्ट करता है इसके बारे में पता चला तो ड्रोसोफिला से ड्रोसोफिला में ये जो ड्रॉसोफेला प्रोटीन है इसको बनाया जाता है डब्ल्यू एंटी जीन के द्वारा ये जो डब्लू एंटी जीन है ये क्या बनाएगा डब्लू एंटी प्रोटीन बनाता है और ये डब्ल्यू एंटी प्रोटीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ड्रोसोफिला में विंग्स की डेवलपमेंट के लिए इस तरीके से ऐसे यहाँ पर इसको एक और में देखा गया था एक और में पता चला कि ये प्रेजेंट होता है जैसे कि माइस में माइस में देखा कि एक जीन प्रेजेंट है जिसका नाम है आई एन टी वन जी INT1 जीन में ये देखा गया था कि अगर इस जीन को म्यूटेट कर दिया गया है अगर इस जीन को हमने क्या कर दिया है म्यूटेट कर दिया है जैसे कोई वायरस आया वायरस हमें पता है इन्फेक्ट करके किसी जीन को म्यूटेट कर सकते हैं और इसको इस तरीके से म्यूटेट किया है कि इसमें से ज्यादा अमाउंट में एम बन रहा है और ज्यादा अमाउंट में एम बनने की वजह से जो प्रोटीन है वो ज्यादा अमाउंट में है। तो यहां पर जो प्रोटीन है वो कौन सा है डब्ल्यू एन टी प्रोटीन यानी कि इसका अमाउंट ज्यादा है। अगर डब्लू एन टी प्रोटीन का अमाउंट ज्यादा हुआ माइस में तो उसकी वजह से ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ब्रेस्ट ट्यूमर बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है इसने क्या कॉज किया माइस में ब्रेस्ट का ट्यूमर कॉज किया कब जब डब्ल्यू एन टी वन एन टी का अमाउंट ज्यादा हो गया तो यहां पर हम इससे इतनी तो बात समझ सकते हैं कि डब्ल्यू एन टी का कहीं ना कहीं रिस्पॉन्स कहीं ना कहीं उसका काम आ रहा है सेल डिवीजन में वो सेल डिवीजन करवा रहा है तभी तो ट्यूमर हुआ जब उसका अमाउंट बढ़ गया तो अगर हम यहाँ पर डब्ल्यू एन टी के बारे में देखें तो डब्ल्यू एन टी ह्यूमस में भी प्रेजेंट होते हैं और करीब नाइनटीन टाइप्स के डब्लू एन टी प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में या फिर हम बोल सकते हैं ह्यूमन्स में नाइनटीन टाइप के डब्लू एन टी प्रेजेंट होते हैं मैमल्स में अगर हम डब्ल्यू एन टी प्रोटीन के बारे में बात करें तो इस तरीके से अगर मैंने बोला कि Wnt डब्ल्यू एन टी प्रोटीन है इसका एन टर्मिनल है इसके एन टर्मिनल से कोवलेंटली कौन अटैच होती है एक फैटी एसिड की चेन अटैच होगी कोवलेंटली अटैच होती है एक फैटी एसिड की चेन तो ये एक एक तरीके से इसको थोड़ा सा स्पेशल भी इसके एंड टर्मिनल पे फैटी एसिड की चेन अटैच है अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो Wnt प्रोटीन है एक तरीके से सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पर एक्ट करेगा क्योंकि ये क्या करता है दूसरे सेल के पास जाता है और दूसरे सेल को सिग्नल पहुंचाता है पहली अगर हम कंडीशन देखते हैं फर्स्ट अगर हम कंडीशन देखें ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारे पास डब्लू एन टी प्रोटीन नहीं है उस कंडीशन में क्या होता है उसके बाद हम समझेंगे कि अगर डब्ल्यू एन टी प्रोटीन होगा तो उस कंडीशन में क्या होता है तो यहां पर हमने इस तरीके से एक सेल ले लिया अगर किसी भी आ, किसी भी लाइगेंट को या किसी भी चीज को अगर रिसीव करना है तो हमें पता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे उसके लिए एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है तो यहां पर इसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे भी एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्रिजल्ड रिसेप्टर आप यहाँ पे देख सकते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेवन टाइम्स पास, पास कर रहा है सेवन टाइम्स पास कर रहा है यानी कि थोड़ा थोड़ा जीपीसीआर के जैसा लग रहा है ना ये इसकी रिजेम्बलेंस होती है जीपीसीआर के साथ ये क्या है फ्रिजल्ट रिसेप्टर यह क्या करता है रिजेंबल करता है जीपीसीआर से दोनों के दोनों सेवन टाइम्स मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं लेकिन जीपीसीआर अलग तरीके से एक्ट करता है फ्रिजल्ट रिसेप्टर अलग तरीके से एक्ट करता है जिनके बारे में हम इन मोमेंट देखेंगे यहां पर सिर्फ फ्रिजल्ट रिसेप्टर ही प्रेजेंट नहीं होता फ्रिजल्ट रिसेप्टर के साथ साथ एक यहां पर को रिसेप्टर भी इसके साथ प्रेजेंट होता है ये जो को रिसेप्टर होता है ये भी एक्टिवेट होता है जब यहाँ पर डब्ल्यू एन टी आके बाइंड करेगा इस को रिसेप्टर का नाम है एल आर पी एल आर पी के मतलब क्या होता है एल आर पी का फुल फॉर्म होता है एल डी एल रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन एल डी एल रिसेप्टर रिलेटेड प्रोटीन रिलेटेड प्रोटीन इज अ को रिसेर ये किस तरीके से एक्ट कर लेकिन फिलहाल तो यहाँ पर डब्ल्यू एन टी प्रोटीन आया नहीं तो ये सारी चीजें क्या प्रेजेंट है इन एक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है अब अगर हम यहाँ पर बात करें तो डब्ल्यू एन टी प्रोटीन किसके लिए आता है बीटा कैटन को बचाने के लिए आता है बीटा कैटेनिन क्या है एक प्रोटीन है जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है ये देते हैं। अगर हम यहां पर तो के साथ साथ सेल जंक्शन पे भी प्रेजेंट होता है दो जगह प्रेजेंट होगा सेल टू सेल जंक्शन पे और साइटोप्लाज्म में सेल टू सेल जंक्शन यानी कि दो सेल्स को अगर हम देखे अटैच करवाने के लिए जोड़ के रखने के लिए कुछ प्रोटीन होते हैं जिनमें से बीटा कैटेन भी अपना रोल प्ले करते हैं लेकिन यहाँ पे हमें किसकी बात करनी है वो वाले बीटा कैटेनिन के जो कि साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं लेकिन इसको साइटोप्लाज्म में आजाद नहीं होने रहने देते और इसको क्या करते हैं डिस्ट्रॉय करते हैं तो यहाँ पर इससे अटैच होता है डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स इस डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स में टोटल चार प्रोटीन होते हैं डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें टोटल कितने प्रोटीन है चार प्रोटीन है जिनमें से अगर हम सबसे पहला प्रोटीन देखें तो उसका नाम होता है सी वन प्रोटीन सी वन प्रोटीन के जो फुल फॉर्म है वो है केसिन वन केसिन काइनेस वन काइनेस मैंने आपको हमेशा से बता रखा है काइनेस जैसे ही वर्ड आप सुन लो आप समझ जाना फॉस्फोराइलेशन करवाएगा तो ये क्या करवाता है जो बीटा कैटन है उसके सेरीन एक ग्रुप ग्रुप पे अटैच करवा देगा तो यहाँ पर क्या हो गया एक ग्रुप अटैच हो गया इसके अलावा यहाँ पर जो सेकेंड ग्रुप होता है मतलब सेकेंड प्रोटीन होता है उसका नाम क्या है जीएसके थ्री इसका नाम होता है जीएसके थ्री जी की फुल फॉर्म क्या है ग्लाइकोजन सिंथेस ग्लाइकोजन सिंथेस काइनेस फिर से हमें नाम से पता चल गया कि ये क्या है काइनेस यानी कि ये भी क्या करेगा फॉस्फोराइलेट करेगा लेकिन सबसे पहले सी के वन फॉस्फोराइलेट करेगा जब सी के वन ने फॉस्फोराइलेट कर दिया तब जी एस के थ्री भी इसको फॉस्फोराइलेट कर देगा इसी के साथ साथ यहां पर क्या होते हैं यहां पर दो और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं जिनका नाम होता है एक्जिन प्रोटीन एक यहां पर है एग्जिन प्रोटीन एक्सेंट प्रोटीन भी यहां पर इस तरीके से बाइंड होते हैं और उसी के साथ साथ यहां पर एक और लास्ट प्रोटीन प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ए पी सी प्रोटीन एपीसी प्रोटीन का पूरा नाम होता है एडीनो मैटस पॉलीपोस कोलाई एडीनो मैटस पॉली पॉली कोलाई ये इसका पूरा नाम है तो यहां पर एक्सिन और जैसा कि मैंने कहा एपीसी भी यहां पर इस तरीके से बाइंड रहते हैं। का है? का है पूरा पूरा है बना रहे ये डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स टूटे ना इन दोनों का सिर्फ इतना सा ही कि हेल्ड टुगेदर करके रखते तो ये दोनों क्या करेंगे ये दोनों का सिर्फ इतना सा काम है कि इस कॉम्प्लेक्स को हेल्थ टुगेदर करके रखें मेन यहां पे किसका काम आता है काइनेस दोनों काइनेस का क्योंकि ये जब यहां पर एक बार दो बार फॉस्फोराइलेट हो चुका है हमारा बीटा कैटन तो ये एक तरीके से मैसेज के तौर पे वर्क करता है कि इसका हम क्या करवा देंगे इसका हम यूबिक्यूटिनेशन करवा देंगे यूबिक्यूटिनेशन का मतलब क्या होता है यूबिक्यूटिनेशन का मतलब होता है कि इसको हम डिस्ट्रॉय करवा देंगे अगर किसी भी प्रोटीन का यूबिक्यूटिनेशन हो चुका है तो उसका सीधे से मतलब है कि उसको प्रोटीनोजोम में ले जाया जाएगा जाएगा जो होती है एक ऑर्गेनिल और, होती है और उधर जाके इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा तो यहाँ पर इस प्रोटीन का क्या हो गया बीटा कैटेन का यहाँ पर फॉस्फोराइलेटेड तो था ही इसका हो जाएगा यूबिक्यूटिनेशन और यूबिक्यूटिनेशन होने के बाद इसको ले जाया जाएगा प्रोटियोजोम नामक ऑर्गेनल में और यहाँ पर इसको क्या कर दिया जाएगा यहां पर इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गया तो ऑब्वियसली बात है ये कहीं और नहीं जा पाएगा न्यूक्लियस में भी नहीं जा पाएगा और आगे अपना कोई भी फंक्शन ये प्ले नहीं कर पाएगा तो इस तरीके से इसको क्या कर दिया गया इस तरीके से इसको कर दिया गया है डिग्रेड इस तरीके से इसको कर दिया गया है डिग्रेड अब हम यहाँ पर दूसरी कंडीशन देखते हैं दूसरी कंडीशन में हमने क्या लिया है दूसरी कंडीशन में हमने बात की है कि जब हमारे पास यहाँ पर डब्लू आया तब हमारे पास सेल में क्या क्या होगा यहाँ पर अब इस कंडीशन में मैंने लिया है कि डब्ल्यू प्रोटीन जो है वो आया है। डब्लू एंटी प्रोटीन की जब एंट्री होगी तो वो क्या करेगा वो बाइंड करेगा फ्रिजल्ट रिसेप्टर के साथ ऑब्वियस सी बात है फ्रिजल्ट रिसेप्टर के साथ तो वो बाइंड करता ही है साथ साथ में वो को रिसेप्टर के साथ भी बाइंड करता है दैट इज तो यहां पर इस तरीके से ये प्रेजेंट है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन ये कौन है फ्रिजल्ट रिसेप्टर इसने फ्रिजल्ट रिसेप्टर के साथ बाइंड किया साथ साथ में यहाँ पर को रिसेप्टर दैट इज एल आर पी के साथ बाइंड किया जब दोनों के साथ बाइंड होगा तो ये भी एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया और ये भी एक्टिवेटेड फॉर्म में हो गया अब यहां पर होता क्या है यहां पर एक और प्रोटीन होता है जो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है यहां पर क्या था वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट था जिसका नाम होता है डिसहीवल्ड प्रोटीन वो कैसा है इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट है तो यहां पर ये प्रेजेंट था लेकिन ये कैसा था इनएक्टिव था इनएक्टिव होने का मतलब बात है कि वो कुछ कर नहीं पाएगा लेकिन जैसे ही यहां पर रिसेप्टर पे आके बाइंड हुआ, ये पे आके बाइंड हो जाएगा तो इस तरीके से ये यहां पे आ गया और ये हो जाएगा एक्टिव ये क्या हो गया ये हो गया एक्टिव वंस इट इज एक्टिव तो यहां पर धीरे धीरे आगे करके सिग्नलिंग चलने लगेगी अब यहां पर एक बार डिसहेवर जब एक्टिवेट हो गया तो वो क्या करेगा वो फास्फोराइलेशन करवाने में मदद करेगा एल आर पी के यानी कि वो एक पॉजिटिव मैसेज देगा कि एल आर पी का भी आप फास्फोराइलेशन करो तो एल आर पी के फास्फोराइलेशन करने के लिए कौन आएगा सी के वन आएगा और यहाँ पर कौन आएगा जी एस के थ्री आएगा ये दोनों क्या करेंगे ये यह दोनों यहाँ पर इसका फॉस्फोराइजेशन कर देंगे इसके इसके ऊपर फॉस्फेट ग्रुप अटैच कर देंगे अगर एक बार ये फॉस्फोराइलेटेड हो गया तो ये क्या करेगा कर तो यहाँ पर आके बाइंड कर जाएगा ये जो एक्सन प्रोटीन था ये यहाँ पर आके बाइंड हो जाएगा तो यहाँ पर अब इधर आ जाएगा फॉस्फोराइलेटेड एल आर पी से बाइंड होने एक्सन अगर एक्सन यहाँ पे आके बाइंड हो गया है तो ये कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि ये बीटा केडेनिन को पकड़ नहीं पाएगा इससे बाइंड हो गया तो ये कैसा हो जाएगा एक्सन हो जाएगा इनएक्टिव वन सेक्सिन इज इनएक्टिव तो उसकी वजह से यहां पर एपीसी भी कुछ नहीं कर पाएगा तो एपीसी भी यहां पर सेल में आ गया तो इस तरीके से क्या हो जाएगा इस तरीके से जो हमारा बीटा कैटनिन था वो फ्री हो गया अगर बीटा कैटनिन फ्री हो गया तो ऑब्वियस बात है अब वो उसको कुछ नहीं कर सकते ना उसका फॉस्फोराइजेशन होगा और ना ही उसका डिग्रेडेशन होगा तो हमारा ये जो ये जो है अब हमारा फ्री है अब बीटा कैटनिन अगर फ्री है तो ये कहा जाएगा ये सीधा जाएगा न्यूक्लियस की तरफ न्यूक्लियस में जाके ये क्या करेगा ये ऐसे जीन्स को एक्टिवेट करेगा जो इसके टारगेटेड जीन्स है अब यहाँ पर भी एक बात होती है अगर हम न्यूक्लियस में नॉर्मली देखें तो इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट होता है नॉर्मली क्या प्रेजेंट है यहाँ पर डीएनए प्रेजेंट है डीएनए पे कौन चीजें प्रेजेंट होती है डीएनए में कुल मिला के तीन चीजें प्रेजेंट होती है एक का नाम है यहाँ पर टीसीएफ एक प्रेजेंट होता है टीसीएफ सी, टी -सी के साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है एल ई एफ वन एल ई एफ वन और उसी के साथ साथ यहाँ पर प्रेजेंट होता है ग्रूशो एक और प्रोटीन यहाँ पे प्रेजेंट होता है जिसका नाम होता है ग्रूचो ग्रूचो क्या करता है ग्रूचो एज अ रिप्रेसर के तौर पे वर्क करता है या फिर मैं बोल सकती हूँ एज अ को रिप्रेसर के तौर पे वर्क करता है कोर रिप्रेसर के तौर पे वर्क करके ये जीन को एक्टिवेट नहीं होने देता आप देख सकते हैं क्या कर रहा है इन जीन को ब्लॉक करता है तो इन जीन को काम करने नहीं देगा पर अब यहाँ पर क्या हो गया अब यहाँ पर बीटा कैटन फ्री हो गया तो उस कंडीशन में क्या होगा उस कंडीशन में अगर मैं यहाँ पे बनाऊ फिर से मैं न्यूक्लियस बनाऊ यहाँ पर हम दो कंडीशन ले रहे हैं फर्स्ट कंडीशन है कौन सी कंडीशन जब यहाँ पर बीटा कैटेनिन एक्टिव नहीं था अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेकेंड कंडीशन जिस टाइम पे बीटा कैटेनिन एक्टिव हो चुका है तो यहाँ पर सेम इस तरीके से डीएनए प्रेजेंट है डीएनए के साथ साथ यहाँ पर टीसीएफ

बाइंड नहीं हो पाएगा तो ग्रूचो हो क्या रिलीज इस तरीके से रिलीज हो जाएगा और यहां पर क्या हो जाएगा डीएनए से बन जाएगा आरएनए और आरएनए से बन गए प्रोटीन अब अगर हम यहां पर देखें तो इसका बीटा कैटनिन का मेनली टारगेट कौन होता है तो बीटा कैटनिन का जो मेन टारगेट होते हैं वो होते हैं मिक जीन यहां पर सी मिक जीन जो होते हैं मेन टारगेट होते हैं बीटा कैटनिन के ये जो मिक होते हैं मिक जीन्स होते हैं इनका जो प्रोटीन बनता है सीमिक प्रोटीन ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल डिविजन के लिए हम बोल सकते हैं सेल प्रोरिफ्रेशन के लिए एंड सेल ग्रोथ के लिए तो मैं ये बात बोल सकती हूँ कि समझो अगर हमारा जो डब्ल्यू हमारा जो बीटा कैटन प्रोटीन है अगर उसका अमाउंट इंक्रीज हो गया तो उसकी वजह से क्या होगा उसकी वजह से सी मिक का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा और सी अमाउंट ज्यादा हो गया तो इट कैन कॉज कॉज इट कैन कैंसर या फिर अगर मैं दूसरी तरफ बोल सकती हूँ कि समझो अगर एपीसी जीन म्यूटेटेड हो गया सेकेंड कंडीशन में अगर मैंने लिया एपीसी जीन म्यूटेटेड एपीसी अगर म्यूटेटेड है तो वो उस कॉम्प्लेक्स को डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स को साथ में नहीं रख पाएगा अगर डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स साथ में नहीं रहेगा डिग्रेडेशन कॉम्प्लेक्स विल नॉट वर्क

सो आई होप काइस की आपको ये वाले जो पाथवे है ये वाली जो पूरी सिग्निंग है बहुत हेल्पफुल रखी होगी थैंक यू सो मच काइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोट फॉर गेट टू सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू सो मच काइज बो बाय